हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं मैथमेटिकल इंडक्शन का पार्ट वन, और ये इसकी पूरी सीरीज हम चलाएंगे, और इस रोज़ाना आपको मिलता रहेगा अपडेट। ठीक है दोस्तों, तो टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 × 4 × 6 = 4, और साथ में दिया है 9 × 3 × 7 = 13, 4 × 7 × 6 = 3। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको सही अप्रोच आना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या किया इसमें, यह कौन सा तरीका फॉलो कर रहा है, 2 × 4 × 6। दोस्तों मैथमेटिकल इंडक्शन में, मैथमेटिकल ऑपरेशन में आप चिन्हों का कुछ अलग मतलब निकाल कर इस सवाल को लगाएंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन का हर एक सवाल मैथमेटिकल इंडक्शन में आप चिन्हों को अलग तरीके से बदल कर लगाएंगे, क्योंकि यह ऐसे लगता ही है, या किसी मतलब सही तरीके को फॉलो नहीं कर सकता, या हर एक मतलब चिन्ह को अलग तरीके से आप बदलेंगे तभी लगेगा यह सवाल। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल को देखते हैं क्या टॉप में लॉजिक हो सकता है। दोस्तों अगर इसमें हम करें 2 × 4, और इसमें 4 × 6 करें 24 आएगा, जबकि यहाँ पर 24 है, तो दोस्तों यह लॉजिक काम नहीं कर रहा है। अगर हम यहाँ पर 2 × 4 × 6 दिया है, इन दोनों को जोड़ दें दोस्तों, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा दोस्तों, 8, और इसमें से 4 घटा दें दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ पे 4 हमको मिल जा रहा है। तो या तो पहले वाले फॉलो कर रहा है, दूसरे वाले को देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्या दिया है, 9 × 3 = 7, और 9 + 7 को हम अगर ऐड करें तो हो जाएगा 16 दोस्तों, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर इसमें हम 3 घटा दें दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा, हमको मिल जाएगा दोस्तों 13। यह लॉजिक भी इसमें काम कर रहा है, यानी कि यह लॉजिक काम कर रहा है, आगे भी करेगा। तो देखते हैं थर्ड वाले में, थर्ड वाला दोस्तों 4 × 7 × 3 = 6 = 3 है। दोस्तों इन दोनों को ऐड करने पर कितना जा रहा है, 10 आ रहा है, 10 में से अगर हम 7 माइनस करें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। यह लॉजिक पूरी तरह वर्क कर रहा है सब पर, यानी कि हमको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट वाले का सम एंड बीच वाला माइनस करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाले का सम, बीच वाला माइनस। सेम इसमें फर्स्ट और लास्ट वाले का सम, फर्स्ट और लास्ट वाले का सम और बीच वाले का माइनस। ठीक है दोस्तों, तो अब हमको इसमें भी वही करेंगे, अब हम इसमें भी वही करेंगे, 9 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा दोस्तों, 17 में 7 अगर हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना दोस्तों, 10 आ जाएगा। तो दोस्तों यह लॉजिक काम कर रहा है, हमें पहला ऑप्शन मिल गया 10, यह हमें सही, बिल्कुल यह सही ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, 8 × 7 = 9 = 8 2 5 2 6 2 5 = 1 5 8 6 = 9। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर हम इसका सम करें, ठीक है दोस्तों, अगर हम इसका सम करें दोस्तों तो हमें कितना मिलेगा, अगर इसका सम करें तो 8 7 + 9 कितना हमें मिलेगा, 8 7 हो जाएगा 15, 15 और 9 हो जाएगा 24 का अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना दोस्तों मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये लॉजिक तो काम कर रहा है, आगे देखते हैं इसमें काम कर रहा है कि नहीं। 6 2 8 और 8 5 13 होता है दोस्तों, 13, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा दोस्तों, यह लॉजिक हो गया फेल। तब हम दूसरा तरीका देखेंगे इसमें दोस्तों, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका अगर इसको 6 को यही रहने देते हैं और इन दोनों को सम करते हैं, 2 और 5 का सम करते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा, 6 और 2 5 का सम करें, देखिए दोस्तों इसमें स्टार्टिंग से करते हैं, 8 7 9, इन दोनों लास्ट वाले का सम करेंगे तो हो जाएगा 7 + 9 = 16। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा 16, और पहले वाले को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा कितना दोस्तों, 8 आ जाएगा, आ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या हमको क्या करना है, हमको डायरेक्ट इन दोनों का सम करना है, फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और थर्ड वाले का सम करना है, 7 + 9 दोस्तों, सम मतलब होता है जोड़ना, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 16, इसमें से हम 8 माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, 8 मिल जाएगा। सेकंड वाले में भी हम देखते हैं क्या हमको मिल रहा है, 2 + 5 = 7, ठीक है दोस्तों, ये 7 मिल गया। अब 7 में से अगर हम 6 माइनस कर दें तो दोस्तों हमको 1 मिल जा रहा है, यानी कि यह लॉजिक चल रहा है, लॉजिक काम कर रहा है। इसमें भी देखें, 8 + 6 = 14 दोस्तों, 14 मिल गया हमको। अगर इसमें से हम 5 माइनस कर दें तो 9 मिल रहा है,
यानी कि लॉजिक इस पर 100% वर्क कर रहा है, तो चौथे वाले पे भी करना चाहिए। इस पे अगर हम जोड़ दें इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 8 + 5 = 13। ठीक है दोस्तों, 13 इसमें से हम 7 माइनस कर दें तो हो जाएगा 6 दोस्तों। ठीक, कितना मिल जाएगा, 6, यानी कि लॉजिक काम कर रहा है तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमको क्या करना है, हमको लास्ट और सेकंड वाले का सम करना है और फर्स्ट वाले को घटाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, 841 = 3। ठीक है दोस्तों, 841 = 3, 633 = 5। ठीक है दोस्तों, उसी तरह 425 = 7। ठीक है दोस्तों, = 7। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम देखें, इसको ऐड करने पर 8 + 4 = 12, 1 = 13 हो रहा है। 13 में अगर हम 1 × 3 करें तो हमको 3 मिल जा रहा है, लेकिन क्या सेकंड वाले में ऐसा करने पर मिलेगा, 6 × 3 18 हो जाएगा। 18 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 54 होगा, 54 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये लॉजिक काम नहीं कर रहा है, मतलब हम लोग क्या किए हैं, 8 + 4 = 12, 12 + 1 = 13, 13 का मल्टीप्लाई किए हैं 3 मिल गया। ठीक है दोस्तों, 3 मिल गया। सेकंड वाले में करेंगे 6 + 3 = 9, 9 + 12 = 12 हो जाएगा। 6 × 3 = 9, 9 + 3 = 12, 12 का अगर हम 1, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा, यह लॉजिक फेल हो गया दोस्तों। ठीक है, हम अगला तरीका देखते हैं। अगर हम देखें 841 = 3 और 633 = 5, 425 = 7। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ में आप देखिए, यहाँ पर प्लस 2 हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे प्लस 2 हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस 2 हो रहा है कि नहीं दोस्तों, हो रहा है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे माइनस 2 हो रहा है दोस्तों, हो रहा है माइनस 2, यहाँ पे भी माइनस 2 हो रहा है, और यहाँ पर दोस्तों माइनस 1 हो रहा है, यहाँ पे भी माइनस 1 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमको क्या यहाँ से मिल रहा है, यानी कि 8 से हम 6 होने में माइनस 2, 6 से होने में 4 माइनस 2 हो रहा है, और माइनस 4 से माइनस 2 करेंगे 2 मिल गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2 यहाँ पर दी 2 है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि सब में एक ही लॉजिक काम करेगा दोस्तों, यह तो हमको पता चल गया, सब में क्या करेगा, एक ही लॉजिक काम करेगा। तो 841 में से अगर हम 633 घटाएं तो हमको कितना मिलेगा, 802 मिल जाएगा दोस्तों, यानी कि 208, सम में 208 का अंतर है दोस्तों, आप चेक कर लीजिएगा, सब में क्या है, 208 का अंतर है, इसमें भी 208 का अंतर कितना होगा दोस्तों, अगर हम 208 इसमें से घटा देंगे दोस्तों तो कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 9 दोस्तों, 9 मिल जाएगा। और कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है, 3 ऑप्शन में। ठीक है, 3 वाले ऑप्शन में। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अंतर डिफरेंस दोस्तों इक्वल है। ठीक है दोस्तों, क्या समान है, इन सब में डिफरेंस क्या है दोस्तों, समान है, 208 का अंतर इसमें भी और इसमें भी। ठीक है दोस्तों, और तब इसमें अगले वाले में भी 208 का अंतर रहेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इन सब क्वेश्चनों को आप एक बार खुद से बनाने की ज़रूर कोशिश करें। तो अगला वाला है 14 × 13 = 128। ठीक है दोस्तों, इसको आप आसानी से मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 182। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को परिवर्तन करके, इन दोनों को चेंज करके 128 लिखा है। ठीक है दोस्तों, 128 लिखा है। सेम चीज़ दोस्तों इसमें भी, 16 × 13। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 208 हो जाएगा दोस्तों। इसको भी चेंज करके 280 लिखा है दोस्तों, 280 लिखा है, यानी कि इसको यहाँ पर लिखा है। ठीक है, लास्ट दो वाले को आपस में चेंज किया है, इसमें भी वही करेंगे दोस्तों। इसका मल्टीप्लाई करने पर 165 मिलेगा, इन दोनों को चेंज करेंगे 156 हो जाएगा। 156 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो इन क्वेश्चनों को आप एक बार जरूर खुद से ज़रूर बनाएं। तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है दोस्तों, 5 × 3, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमको मिल जाएगा 15। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, और इसका स्क्वायर करके इसमें ऐड कर दें तो हो जाएगा 19। आप देख रहे हैं ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा है 15, दोनों का डिफरेंस कर मिल रहा है 2, इसका स्क्वायर करके इसमें जोड़ दें तो हमको कितना मिलेगा, 19। ठीक है दोस्तों, और उसी तरह आगे वाले में इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा हमको 40
40 मिल जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों 4 3 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करने पर मिलेगा 9, इसको ऐड करने पर 49 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप देखिए इसको अच्छे से, 8 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 40, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 3 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसमें ऐड करेंगे मिल जाएगा 49। ठीक है, इसी तरह लास्ट वाले में भी लॉजिक काम करेगा, 6 × 4 = 24, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 2 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे मिल जाएगा हमको 28। ठीक है दोस्तों, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अगर कोई भी गलती रही हो वीडियो में तो आप ज़रूर बताएं कमेंट में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, ओके बाय।